नमस्कार, रांची ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। संवाददाता गुड्डू पांडे ने खबर दी है कि आरजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष युवा राजद अनिल कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 27 जनवरी के कार्यक्रमों की घोषणा की। 27 जनवरी को केंद्र के तीनों कृषि कानून का विरोध करने के लिए एक मुट्ठी मिट्टी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। लगता है कि सभी देशवासी इस चीज को जानते भी हैं और अवगत हैं इस बात से लेकर के कि जो कृषि बिल आया है 2020 का, इसमें कॉरपोरेट के हाथ में देने का पूरा तैयारी है। आज भंडारण जितना मर्जी आप कर सकते हैं, क्या किसान के पास पैसा है जो भंडार कर सकता है? भंडारण वही कर सकता है जिसके पास पूंजी होगा। कार्यक्रम एक दिवसीय किसान महापंचायत सह सम्मान समारोह है जो एक मुट्ठी मिट्टी के नाम से हम लोगों ने आयोजन किया है। किसान का आवाज़ बन करके हमारे राज्य के मंत्री विधायक सभी लोग उपस्थित होंगे और हम लोग किसानों का आवाज़ बुलंद करेंगे पूरे झारखंड में, और जिसका शुरुआत हम लोग पतरातू से कर रहे हैं। इसमें जो कृषि मंत्री हैं श्री बादल पत्रलेख जी, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, अम्बा प्रसाद जी, विधायिका श्रीमती ममता देवी जी, श्री उमाशंकर अकेला जी बरही विधायक, और श्री राजेश कच्छप जी जो हमारे खिजड़ी से विधायक हैं, ये सभी लोग उस दिन उपस्थित होंगे। और जन प्रतिनिधि जो स्थानीय हैं ये सभी लोग उपस्थित होंगे, और ये हम लोग किसान का आवाज़ को बुलंद करने के लिए ये हम लोग महापंचायत सह सम्मान समारोह कर रहे हैं। और एक मुट्ठी मिट्टी के नाम जो किसान को हम लोग हर गांव कस्बे में जा करके एक एक मुट्ठी हम लोग इकट्ठा करेंगे और वो मिट्टी एकत्रित करके हम लोग बंजर जमीन में उसको उपजाऊ मिट्टी से बंजर जमीन को हम लोग उपजाऊ बनाएंगे, और उस उपज को चाहे वो साग सब्जी हो, धान हो, चाहे जो भी हो, उसको हम लोग केंद्र सरकार को भेजने का काम करेंगे। क्योंकि अगर जमीन होगा तो ही चावल या कोई भी चीज़ उपज होगी।